नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कैसे हो? दोस्तों आज मैं आपको एक बेशकीमती पेड़ के बारे में बता रहा हूँ। इस पेड़ का नाम है रक्त चंदन। चंदन का तो आपने नाम सुना है। जब कोई हमारे यहाँ मर जाता है तो हम उसके लिए एक, देखा होगा आपने, एक गट्ठी सी लाते हैं छोटी सी। वो पता नहीं 100 ग्राम की होती है, तो वो मेरे ख्याल 1000 रुपये के करीब होती है। तो आपको शायद पता नहीं होगा कि चंदन की जो 1 किलो लकड़ी है इसकी कीमत 10,000 या 20,000 के करीब होती है, और ये बहुत महंगा बिकता है। और मान लो कि अगर आपने इसकी खेती कर ली, आपके पास जगह ज़मीन पड़ी है, तो आप इसकी खेती करके आप लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हो। बहुत इजी है। खेतों में आजकल फसल तो होती नहीं है, तो आप खेतों के अंदर ये चीज़ लगाओ, सागवान लगाओ, चंदन लगाओ, और भी बहुत महंगे महंगे पेड़ हैं, मगर इसकी जो जलवायु इसके अनुकूल होनी चाहिए, क्योंकि ये वहाँ पर पैदा नहीं होता है जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, और इसके लिए टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री के बीच में टेम्परेचर चाहिए, ये तभी पैदा होता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो चंदन की पत्तियाँ कैसी होती हैं, आप ध्यान से देख लो। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। लोग वीडियो बनाते हैं, वो सिर्फ दिखाते हैं ये है वो है, एक्चुअली वो जो सही बात होती है जो हमारे काम की वो नहीं बताते हैं। मैं भी इस लाइन में 10 सालों से काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि लोग क्या गाइड करते हैं। लोग अपने मतलब के लिए काफ़ी वीडियो बनाते हैं, उनको मतलब है कि व्यू आ गया है तो अपना काम हो गया, एक ऐड चल गई, एक पैसा बन गया। मगर मुझे आप लोगों से पैसे से मतलब नहीं है, किसी चीज़ से मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो मैं जानकारी दे रहा हूँ उससे आपको बेनिफिट हो। दोस्तों कोई भी किसी का कुछ नहीं लेता है, एक सही जानकारी जो होती है आदमी को सही रास्ता दिखाता है। गलत जानकारी हमेशा आदमी गलती भटकता रहता है, तो इसलिए गलत लोगों के चक्कर में ना फंसे। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन सीड मंगवा सकते हैं, मिल जाती है, अमेजन से ख़रीद ले, फ्लिपकार्ट से ख़रीद ले, क्योंकि अदर्स जो कम सेलर होते हैं जो बेचते हैं, हो सकता है कि आपके पैसे पेमेंट हो जाए, वो आपकी सीड ना भेजें। तो इसलिए जो कंपनियां सप्लाई करती हैं उन्हीं से ख़रीदें, क्योंकि वो कंपनियां पैसा तभी देती हैं जब आप उसकी सप्लाई कंप्लीट कर देते हो, और फिर उस वीडियो पर वो रेटिंग भी लेते हैं कि आपको इस सेलर के, इसने जो सामान भेजा है वो कैसा भेजा है। तो मैं इसकी ये भी बताऊंगा कि इसको लगाते कैसे हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी इसको लगाना है तो सबसे पहले आपके, अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में आपको झरने की मिट्टी इकट्ठी करनी है, कहीं मैदानी इलाके की मिट्टी करनी, अच्छी अच्छी मिट्टी, उसमें पत्थर ना हो, तो उस मिट्टी को 5-6 जगह की मिट्टी इकट्ठी करके फिर आपने इसमें सीड लगानी। क्योंकि इससे क्या होता है कि एक जगह की मिट्टी होती है उसके अंदर हर पौष्टिक तत्व नहीं पाए जाते हैं, इसलिए हम 4-5 जगह की मिट्टी इकट्ठी करते हैं और उसको मिलाते हैं कि जब हमारा पौधा होगा तो एक स्वस्थ पौधा पैदा हो। ये ना हो कि आपने पौधा लगा दिया, 10 साल तक वो उतना ही रह गया, ना ही तो उसकी हाइट बढ़ी ना ही, मगर यह है कि आपने पानी भी इसको रेगुलर देना है, इसलिए क्योंकि चंदन पानी मांगता है। जब एक बार तैयार हो गया तो फिर ये नॉर्मली पैदा हो जाता है, और जब तक इसको पानी की जरूरत है तो आपको रेगुलर पानी देना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। और आप इसके पत्तियाँ देख लें, इसकी पत्तियाँ जो कैसी होती है, रक्त चंदन इसको कहते हैं, रेड चंदन। और इसका यूज़ हमारे पूजा पाठ हवन की सामग्री में यूज़ होता है, कहीं भी आप देखोगे रक्त चंदन का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस वीडियो में जो मैं दिखा रहा हूँ, ये रक्त चंदन है। तो दोस्तों इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत।